तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा मेरी बेटी जो मैंने परचेस किया, और ये जो बेटी है फ्रेंड ये सेकंड हैंड बेटी है जो मैंने 3000 में लिया था, और ये बेटी इंडिका के लिए है। और यह देखिए, ये है वारंटी कार्ड, इसमें वारंटी भी है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको इंडिका में लगाता हूँ, फिर देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा बैटरी, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड देख सकते हैं। तो चलिए अभी टर्मिनल्स को लगा देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा मेरी बैटरी का जो कनेक्शन है, मैंने कर दिया है। तो अभी क्या करना है फ्रेंड, अभी गाड़ी को स्टार्ट करना है, फिर देखना है गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो चलिए अभी गाड़ी स्टार्ट करते देखते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब गाड़ी में हो सकता है फ्यूल नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, फ्यूल डाल देता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड डीजल, पहले डीजल डाल देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गाड़ी में डीजल नहीं है। और पुराने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड आपको कम से कम 8 से 10 लीटर डीजल आपको गाड़ी में चाहिए स्टार्ट करने के लिए, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए अभी इसको डाल देते हैं गाड़ी में। पहले पाम मारते हैं फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इसमें डीजल आना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे। तो पहले चेक कर लेता हूँ फ्रेंड, इसका ये वाला जो आप देख रहे हैं ऑयल प्रेशर, ये काम कर रहे हैं या नहीं चेक कर लेते हैं। और पहले तो और फिर इसमें हीटर देते हैं दूसरी बैटरी से, फिर देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं। और यहाँ तक फ्रेंड इसमें ये हार्ड है, अभी इसमें डीजल आया है, इसमें अभी डीजल है। तो अभी इन दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों अगर सही है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीमीटर को सेट कर लेना है 20 वोल्ट में, देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्मिनल है फ्रेंड ब्लैक, इस ब्लैक टर्मिनल को गाड़ी के बॉडी में लगा देना है, और एक को यहाँ लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं यह करंट आ रहा है, तो यह सही है, ठीक है, देख सकते हैं हीटर प्लग भी सही है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें अभी करंट आ रहा है, तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को हीट करके 2-3 बार। देख सकते हैं फ्रेंड स्टार्ट हो गई गाड़ी।
देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गया है और इसका आरपीएम मीटर भी ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट बंद कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा फ्रेंड, गाड़ी में टायर लगाऊंगा फिर गाड़ी को चलाऊंगा। तो चलिए टायर लगाते हैं अभी। तो ये जो टायर है फ्रेंड, ये पहले पंचर था। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने दोनों टायर लगा दिया गाड़ी में। तो अभी गाड़ी को चलाऊंगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चला के देखते चलते हैं या नहीं। तो गाड़ी चल रही है फ्रेंड, देख सकते हैं।